आ चुका है जिसको लेकर तमाम घटनाएं सामने आने शुरू हो गई है। एक तरफ कलीम सिद्दीकी साहब का है जो 22 सितंबर को मेरठ से अरेस्ट कर लिए गए थे, उसके बाद शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान ड्रग्स के मामले में अरेस्ट होता है। तीसरी घटना जो लखीमपुर में एक कैबिनेट एक गृह राज्य मंत्री का बेटा बेरहमी के साथ किसानों को चल लेता है, उन्हीं सबको मुद्दों को लेकर के आज कस्बा किठोर में SDM को ज्ञापन सौंपा गया। हम बात करेंगे हम यहाँ सभी से, सबसे पहले हम बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप आजाद किशोर है, जिला उपाध्यक्ष। हम लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर कलीम सिद्दीकी साहब को जो अरेस्ट किया गया है ATS ने उठाया है, उन पर धर्मांतरण का आरोप है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए जिस तरह के उनके मौलाना सिद्दीकी साहब पे आरोप लगाए हैं वो गलत लगाए हैं, क्योंकि जहाँ तक कि हम जानते हैं ये इस जो समय चल रहा है इस समय में जो है इस सरकार द्वारा मुस्लिम समाज को सबसे ज़्यादा दबाया जा रहा है। कभी गाय के नाम पे दबाया जाता है, कभी जेल में डाला जाता है, कभी झाड़ी काटी जाती है, कभी किसी मुद्दे में मतलब आए दिन सताना होता है इन लोगों को फंसाने का। मेन मकसद इस सरकार का इन लोगों को फंसाना है। तो मौलाना सिद्दीकी साहब को जो है हम लोगों की ये जो है उन्हें रिहा किया जाए। आपका कहना है कि कलीम सिद्दीकी साहब को रिहा किया जाए? इन दिनों एक मामला बहुत दूर पकड़ा जिनने लखीमपुर वाली घटना दबा दी है, शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान ड्रग के साथ पकड़ा जाता है। हालांकि कुछ दिन पहले अडानी के बंदरगाह पे भी ड्रग्स पकड़ा जाता है, लेकिन वो मामला तब जाता है, इसके बारे में आप कहते हैं? अडानी का जो एयरपोर्ट है उससे 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी जाती है। सरकार जानती है कि अडानी उसका आदमी है, सरकार बहुत अच्छी तरीके से इस बात में जानकारी भी रखती है और देश का संविधान भी जो है कुचलने का काम किया जा रहा है। इस देश के मूल अधिकार जो हैं जो संविधान है उनको ये सरकार कंटिन्यू कुचलती आ रही है। आर्यन खान तो बहुत बड़ी हस्ती है, 9 ग्राम ड्रग्स कोई बड़ी बात नहीं है, किसी भी मुसलमान को टारगेट करने के लिए ये लगा दिया जाता है। 21,000 करोड़ रुपए की जो NCB है, जो NCB इसकी जांच कर रही है, उस NCB के अधिकारी जिस ऑफिस में आर्यन खान को गिरफ्तार करके लेके जाते हैं वो एक भाजपा का नेता होता है। आप ये देखिए उसको वहाँ की जो सरकार है वो खुद कह रही है कि इसको फटाया जा रहा है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वही इस चीज़ की पैरवी नहीं कर रही। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि फर्जी मामला है और मुसलमानों को टारगेट करके एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा ये इस तरह के ड्रामे करती रहेगी, क्योंकि चुनाव आ रहा है और चुनाव के माहौल में ये किसी तरीके से, क्योंकि इस टाइम देश के अंदर जो अराजकता का माहौल पैदा करके ये चुनाव जीतना इनका मकसद है, बाकी कुछ नहीं है। आज हम यहाँ पर जितने भी लोग इकट्ठा हुए हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की रिहाई के लिए, यहाँ पर हमारा ये प्रोग्राम था और हमने अपना मेमोरेंडम दे दिया है। चुनाव आ चुका 2022, आजम खान जेल में है, समाजवादी पार्टी पर उसके आरोप लग रहे हैं, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? आजम खान साहब जेल में है, पूरे उत्तर प्रदेश को पता है आजम खान एक कद्दावर नेता है मुस्लिम समाज के, और जिस तरह से भाजपा सरकार ने उनको टारगेट बना के जेल में डाला गया है, बकरी चोरी, भैंस चोरी, मुर्गी चोरी, एक सांसद इस तरह की चोरी कर सकता है? सभी को मालूम नहीं कर सकता है, लेकिन जिस तरह से 80-90 मुकदमे डालने के बाद उनको टारगेट करके जेल में डाला गया है, उसका सीधा सीधा एक टारगेट है कि मुसलमान होने के नाम पर उनका शोषण किया गया है। क्योंकि वो आए दिन जब सरकार होती है या सरकार नहीं भी होती है, जब भी मजहब की आवाज़ उठाते हैं तो उसका एक अलग ही पूरे देश में संदेह जाता है, और उसको लेकर ये भाजपा सरकार उनको जो है ये पचा नहीं पाती। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ATS ने उठाया है, कह रही है कि इन्होंने जितने सबूत मिले हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने कि इनपे सबूत मिला, आप क्या कहेंगे? कि किसी भी तरीके से कोई सबूत नहीं, आप ये लगाओ जो उन्होंने एक मुकदमा लगाया है कि धर्मांतरण जबरदस्ती, ये बताइए हिंदुस्तान जैसे मुल्क में कोई किसी को जबरदस्ती मजहब बदलने के लिए कह सकता है, करवा सकता है किसी को? आप ही बताइए, जबरदस्ती करवा सकता है? और वो इतने बड़े रहनुमा हैं मुस्लिम समाज के और बिल्कुल एकता की मिसाल हैं पूरे हिंदुस्तान के, आलमी आदमी है, उनको एक तो उठाया बदमाशों की तरह, अगर पूरे हिंदुस्तान का माहौल खराब हो जाता तो क्या होता? मुसलमानों ने सब्र किया, उनको जी 2 दिन बाद छोड़ दिया जाएगा पूछताछ के बाद, अब किसी भी तरीके से कोई रहनुमाई नहीं है। जब इतने बड़े जानकार, इतने बड़े आलिम हैं वो इस्लाम के, और इस्लाम ये कहता है कि जबरदस्ती किसी को मुसलमान किया ही नहीं जा सकता, अगर किसी को जबरदस्ती कराया भी है तो वो ही नहीं सकता, और हिंदुस्तान का कानून इजाजत देता है हर मजहब के मानने वालों को कि अपने अपने मजहब की तबलीग करो, किसी को जबरदस्ती किसी का कोई इख्तियार नहीं। ये जबरदस्ती उनको फंसाने की कोशिश है और जबरदस्ती हम तो ये मुतालबा करते हैं हुकूमत हिंद से, सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और सबसे इनसे भी, हुकूमत से भी, कि बहुत जल्द से जल्द हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को रिहा किया जाए। बिल्कुल बेबुनियाद झूठे जमातमंद को गिरफ्तार किया गया,
इसी वजह से यहाँ पर हम जमा हुए हैं। और लखीमपुरी की घटना मतलब वीडियो वायरल हो रही है, गिरफ्तार करने कोई मामले नहीं है, मीडिया को भी उधर तो दिखाई दे रहा आयरन खान और शाहरुख खान और वो दिखाई नहीं दे रहा कि कहाँ वहाँ बोला मुसलमानों को आठों को मार दी, इसलिए इस चीज के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। ये देहम किठौर कस्बा किठौर में मौजूद यहाँ लोगों ने आज कलीम सिद्दीकी साहब को लेकर के आजम खान साहब को लेकर के एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अभी थोड़ी देर पहले ही ज्ञापन एसएसआई साहब को दिया गया है। अब देखना यह होगा कि इसमें उत्तर प्रदेश सरकार क्या फैसला सुनाती है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं नावेद माजिद किठौर।